वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th की वीडियो, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है सेशन 2020-21 से 2020-22 का। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास जो 11th है उसमें इकोनॉमिक्स जो है उसके दो पार्ट है, पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आप देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि पार्ट ए जिसमें आपके पास यूनिट वन के अंदर है इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन फॉर इकोनॉमिक्स, या फिर कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन किसका, स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन। यूनिट सेकंड जो है उसके अंदर आपके आता है आएगा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एंड यूनिट थर्ड में आपके पास आएगा स्टेटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पार्ट ए है वो आपका होता है 40 मार्क्स का। इसी तरह से आपका आता है पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपके पास आएगा इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यूनिट फाइव में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यूनिट सिक्स प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, एंड यूनिट सेवन फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशन। और साथ में इसके मार्क्स भी दिए हुए हैं कि भी कितने कितने मार्क्स के जो आपकी ये यूनिट्स हैं वो आएंगी। तो इस तरह से आपका जो पार्ट बी है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी आपका 40 मार्क्स का हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा, थ्योरी एग्जाम, ये आपका 80 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स का जो होगा वो आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि पार्ट ए जो है आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसके अंदर एक तो आपका आ जाएगा कि भाई इसके अंदर आपका इसमें आप आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो है इसके टूल्स क्या क्या हैं, उसके बाद इसके अंदर हम बताएंगे कि हम इसमें करेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स क्या है, उसका मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। फिर सेकेंड यूनिट में आपके पास आएगा कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा का कलेक्शन किस तरह से किया जाए, यानी कि डाटा का सोर्स क्या क्या है वो इसमें हम पढ़ेंगे, कि प्राइमरी डाटा क्या है या सेकेंडरी डाटा क्या है, या इसमें सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे, सेंसस मेथड के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से सैंपल सर्वे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसमें आपके पास आता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स किस टाइप्स के होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा आपके पास आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा का प्रेजेंटेशन यानी कि टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ज्योमेट्रिक फॉर्म, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हिस्टोग्राम आ जाते हैं, पॉलीगन आ जाता है, ओजाइव कर्व आ जाता है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके आएगा किसके अंदर, यूनिट सेकेंड में। और यूनिट थर्ड जो आती है वो आपके पास आएगी स्टेटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, जैसे अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। नेक्स्ट आता है इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसके अंदर हम एब्सोल्यूट डिस्पर्जन पढ़ेंगे, जिसमें रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव डिस्पर्जन जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन एंड वेरिएशन। इसी तरह से जो आपका थर्ड आएगा इसी के अंदर यूनिट थर्ड में कोरिलेशन, तो कोरिलेशन में आपके पास आता है कि मीनिंग और प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसका स्कैटर डायग्राम, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, जिसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, जैसे एक तो आपका इसमें आएगा कार्ल पियर्सन का मेथड, एक आएगा स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आता है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन जिसमें आ जाती है मीनिंग, उसके टाइप्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। तो ये तो आपका सारा है किसका, स्टेटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का। इसी तरह से पार्ट बी जिसमें आपके पास आएगा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होती हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये आपका यूनिट फोर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिट फाइव, जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट फाइव में। और लास्ट अपने पास आता है यूनिट सिक्स, जिसमें आपके पास आएगा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सप्लाई, रिवेन्यू, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिट सेवन, जिसमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट,
प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशन। इससे हम मार्केट्स डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो ये रहने वाला है हमारा इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का सिलेबस, ठीक है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो वीडियोज़ हैं वो अपने चैनल VS इकोनॉमिक्स पर डाली हुई हैं। अगर कुछ टॉपिक्स उसमें अगर रह गए हैं तो वो उसको मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए डाल दूंगी। इसके अलावा हम अपना स्टेटिस्टिक्स का नया स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स की मैंने वीडियोस अभी नहीं डाली है, तो मैं अब जल्द से जल्द आप लोगों के लिए स्टेटिस्टिक्स की वीडियोज भी डालूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल VS इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं।